इस शिनोबी दुनिया में ये इस बारे में नहीं कि आप कैसे जिए, बल्कि इस बारे में है कि आप कैसे मरे। और क्या हाल है, मैं हूँ जीराया। तुम लव लेटर्स बाद में भी दे सकती हो, मिलकर अच्छा लगा। पीछे मुड़कर देखूं तो मेरी पूरी जिंदगी नाकामी के सिवा और कुछ भी नहीं थी। बार बार सुनाड़े के हाथों नाकारा गया, अपने दोस्त को नहीं रोक सका, अपने स्टूडेंट को नहीं बचा पाया और ना ही अपने गुरु को। बीते हुए होकागेस की जिंदगी की तुलना में मेरी पूरी जिंदगी बेकार और बेमतलब थी। ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने भविष्यवाणी की थी कि मैं ही वो होऊंगा जो बदलाव को रास्ता दिखाएगा, एक शख्स जो फैसला करेगा जिससे कि शिनोबी दुनिया में या तो शांति आएगी या तबाही। मैं लीफ के लेजेंडरी सानिन में से हूं। एक असली निंजा वो है जो बर्दाश्त कर सके चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। चलो मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं। अगर आप शिनोबी है तो आपके लिए एक ही चीज मायने रखती है, और ये इस बारे में नहीं कि आप कितने जुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मायने रखती है वो है हिम्मत, कभी ना हार मानने की। मेरा मानना है कि आप अपने आप को असली मर्द नहीं कह सकते जब तक आप हंसते नहीं अपने ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों पे, या फिर उसे लिख कर एक कहानी बना दो। ग्रेट लॉर्ड एल्डर की भविष्यवाणी थी कि बदलाव लाने वाले को मैं ही सिखाऊंगा जो आखिरकार इस मुसीबतों से घिरी दुनिया में शांति लाएगा। मुझे लगा मैं पेन को हरा दूंगा और उन्हें रोक कर इस दुनिया को बचा लूंगा तबाही से, और आखिर में मैं उसमें भी नाकाम रहा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनमें से किसी को मारूं। मुझे पूरा यकीन है कि कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा जब लोग एक दूसरे को समझेंगे और शांति से रहेंगे। अगर मैं इस मसले का हल ना निकल पाया तो इसका हल ढूंढने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दूंगा, हाँ नारुतो? यस सर, मैं अपने सेंसे की बात कभी नहीं टाल सकता, है ना परवी सेज? तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी मुक्ति है नारुतो। कहानी वीर चिराया की। हाँ, अब कुछ बेहतर है शायद। लगता है समय आ गया है कि मैं अपनी कलम को नीचे रख दूँ। ओ हाँ, अगली कड़ी को क्या नाम दूँ? हाँ, सोचते हैं। द टेल ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। हाँ, ये नाम कुछ अच्छा है।